हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करूंगी आप सब बहुत अच्छा रहना, खुश रहना और हेल्दी रहना। आज की कहानी का दो किरदार है, वो है मैत्री और सांत्वना। आप सब ने देखा है, आप सब ने बहुत प्यार दिया है, इसके लिए भी थैंक यू। क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है, इतने साल गुजर गए शादी को, लेकिन आज सांत्वनु ऑफिस गए हैं क्योंकि मैंने उसको बोला था। पहले सोचा था छुट्टी लेंगे, उसके बाद बोला नहीं सैटरडे है छुट्टी चले जाओ, क्योंकि पहले सांत्वनु ने हाउस शिफ्टिंग के टाइम बहुत छुट्टी लिया था और स्वीटी भी आज लेट करके स्कूल जाएगी। तो सांत्वनु तो 7:30 बजे निकल जाने के बाद, मैं घर का काम पूजा ये सब करती हूँ, स्वीटी 10 बजे जाएगी तो मैंने बोला ठीक है तब तक तू रेडी हो जा, तब तक मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ। इस तरह से शुरू हुआ है आज की मैत्री और सांत्वनु की कहानी। ये कहानी सालों पहले शुरू हुआ था, दो अनजाने लोग जो कभी नहीं मिले थे, जो कभी देखा भी नहीं था, वो इतने साल गुजारेंगे। कुछ अजीब नहीं लगता, सोचो आप एक बार सोचो, मतलब कभी कभी सोचने से थोड़ा अजीब ही लगता है, कैसे दो अनजाने लोग एक साथ रह के सुख दुख बांट सकते हैं। इसी का तो नाम है शादी। और ये कहानी सुनते सुनते अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब करके रखना तो नेक्स्ट कहानी आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा। और सांत्वना होता तो चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। आप लोगों के साथ बात करते करते मेरा बिस्किट भी सॉफ्ट हो गया। और ये जो प्लांट है ना, ये सारे स्वीटी ने बोला था यहाँ पे रखो, ये चेयर के साइड में एस्थेटिक लग रहा है, 3 अलग अलग साइज़ का। तो मैंने बोला ठीक है, बच्चे का आइडिया भी लेना चाहिए, अच्छा भी लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बाजू में फूल वाला के टाइप से बुके बना रही हूँ। ये बुके ले लिया मस्त 100 रुपये में सब कुछ। चलो चलो, मस्त बुके लिया। और यहाँ पे मैंने पापा के लिए केक लिया है थोड़ा सा, सामने बेकरी है वहाँ से। चलो घर चलते हैं, मेट्रो आ रहा है। और दोपहर में लंच वगैरह हो गया था, जो सुबह में बनाया था वही सारे। और स्वीटी बुके बना के लेके आई, मैं देख के खुश हो गई। वो शाम हो चुका है, शाम के टाइम पे ही आई है, उसका एक्स्ट्रा क्लास भी था। और बुके में एक पिंक फ्लावर भी दिया है, उसको पता है मम्मी को पिंक फ्लावर बहुत पसंद है। मुझे पिंक कुछ भी चीज़ें पसंद है, पिंक पीचिस टाइप का कलर। और यहाँ पे पैकेट में कुछ लाई है, तब से मैं पूछ रही हूँ क्या है, और मैं दबा दबा कर उसको देखा भी क्या है क्या है। उसके पति का अरे केक है, मैं बोला पहले बोलना चाहिए था, मैं तब से देख रही हूँ नरम नरम क्या है। मुझे बोला भी नहीं था, मुझे बोला था हाँ मैं कुछ ऐसे देखूँगी फ्रेंड्स के साथ। और आके थक के सो गई क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी था। आके सर धोया 4:30 बजे सर धोया, उसके बाद बोला नहीं थोड़ा सा मैं सो जाती हूँ, सांत्वनु ऑफिस से अभी जस्ट आने भी बन रहे हैं। मैं बोला मत सो स्वीटी, इस टाइम पे सोने से ना अजीब फीलिंग्स आता है, लगता नहीं है देखना ओठू आने। देखो सांत्वनु ऑफिस से आने के बाद उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो चलो थोड़ा बाहर जाते हैं और इसको बोले एक फोटो खींच के दे। फोटो तो दे, तू जाबी ना और तू जाबी ना जाबी ना যাবে না যাবে না তো চলো ও দেরি হয়ে যাবে ও অন্ধকার হয়ে যাবে তখন ছেড়ে দাও কে যেতে হয় না ও বাইরে থেকে ঘুরে এসছে এমনিতে চোরে চোরে এসছে কে জানে যাবে হ্যাঁ যাবে তো বটে হ্যাঁ বাদ মে বলে গা মুঝে লেকে নেই গিয়া এত না কে ঘুষ লাগা হ্যায় মতলব কে ইয়ে দে রে দেখো উসকো শর্মা খিলা দেঙ্গে খানে কা নাম সে সুইট উড় জাতি হ্যায় আবি ও বল রে কি ভুখ নেই হ্যায় तो स्वर्गों का खुशबू से उसको भूखा है। और आज अभी ऑफिस से आके थोड़ा भी तैयार हो गया और हैप्पी एनिवर्सरी टू अस, खुद ही विश कर दिया। और अभी आके सारा दिन आज था नहीं तो इसलिए टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। तो उसमें क्या हुआ, आज अभी टाइम स्पेंड करेंगे, कल संडे है, कल फुल डे टाइम स्पेंड करेंगे। रेडी है और क्या है, स्वीटी कहाँ गया? स्वीटी उठ गई, उसको दिया ना खुशबू, उसको फिर स्वर्मा का खुशबू याद आ गया। स्वीटी ने फूल लाया, कितना सुंदर, वो भी कितना ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि अंधेरी के उधर फूल नहीं मिलता। पिंक है, उसको पता है मम्मी के लिए पिंक, वो और उसका दोस्त मिल के खुशबू है। हाँ बहुत खुशबू है, ये गुलाब का कभी खुशबू होता भी नहीं है। अच्छा है, उसने लाया और केक लाया। तुम केक खाएगा नहीं, खाओगे केक?
प्लास्टिक का डब्बा दो ना ऊपर से, यहाँ पे मेरा सारे केक का डब्बा रहता है, मतलब ये सारे टीन का डब्बा ना वो टेस्ट कर ले, टेस्ट 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 तो करूंगी याद रखती। और मैंने उसको दबा दिया, मुझे क्या पता था जो उसमें वो केक लाई, मुझे नरम नरम लग रहा था, होता है ना पैकेट के अंदर दबा के देखू है क्या, उसका दोस्त ने दिया था रखती। फरी फरी वाला कितना बर्थडे गिफ्ट में मिला है, कि तो क्यूट सा है, एक फर है बहुत सुंदर। शादी मतलब एक बंगाली गाना है आशा भोसले का ना, हाँ आशा भोसले का, क्योंकि वो हमारे अरे नहीं ये गाना क्यों गाता है पता है, ये हमारा जो वीडियो वाला रिकॉर्डिंग है ना शादी वाला, नहीं सभी जगह मैंने देखा है सिंदूरदान में यही गाना डालेगा। प्रीति का लाया हुआ केक, ओ फ्रूट केक, वाह प्रीति का लाया हुआ केक आप लोग जरूर खाना, फ्रूट है एप्पल बनाना गुआवा, फ्रूट है टूटी फ्रूटी नहीं ये सब्जी है टूटी फूटी पेठा, ये तो छोटा टूटी फूटी पेठा ही होता है ना, सफेद ढोकला क्यों बोलते हैं। रुको रुको रुको, शांतनु के लिए एक तोहफा मिला है, हैप्पी एनिवर्सरी, हाँ कल खिला है मतलब कल छोटा था आज बड़ा हो गया, ये खुशबू वाला पिंक ही है, सही कलर है इसका, लाइट है ये बेबी पिंक वाला है, ये देखो मिल गया गुलाब, अबे घर का देसी सुगंध वाला गुलाब। जेनी और निकलते निकलते शाम भी हो चुके हैं, उसके बाद गेट पे निकलने के बाद मुझे याद आया अरे आज मंदिर तो गए ही नहीं, नॉर्मली हर एनिवर्सरी पे या बर्थडे पे सुबह में मंदिर जाते हैं, तो इस बार शांतनु ऑफिस चले गए थे और हड़बड़ी में सुबह में होता नहीं है इतना जल्दी जल्दी में, और उसके बाद याद आया नहीं चलो पहले मार्केट जाने से पहले मंदिर होके आते हैं, क्योंकि मंदिर जाने में मुझे अच्छा लगता है, और यहाँ पे नियर बाई एक महालक्ष्मी मंदिर है तो महालक्ष्मी मंदिर में फूल वगैरह चढ़ा के उसके बाद मार्केट जाऊँगी, और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा एक सुकून जैसा फीलिंग्स आता है। और उसके बाद मार्केट में शांतनु के लिए मुझे फूल लेना था, वही फूल लेने के लिए आई, ये सब मैं दोपहर में भी कर सकती थी लेकिन दोपहर में अकेले निकल के कुछ अच्छा भी नहीं लगता, और शांतनु आज गाड़ी लेके भी गए थे तो ऑटो में आना पड़ता, और दोपहर में आज बहुत ज़्यादा गर्मी था तो मुझे लगा दोपहर में निकलूँगी तो एग्जॉस्ट हो जाऊँगी, शाम की तरह वो ढुस जैसा अजीब लगता है ना, तो स्वीटी ने भी बोला था मैं जाऊंगी, उसने बोल के रखा था और उसको आते आते लेट हो गया, उसी के लिए मैं वेट कर रही थी, मुझे सोचा था अगर वो जल्दी आ जाती है तो दोपहर में हम दोनों निकल जाएंगे। और यहाँ पे इस तरह से देखो ये वाला लिली कितना अच्छा लग रहा था, ये वाला लिली मैं बहुत दिनों बाद देख रही हूँ, और स्वीटी को एज यूजुअल केक लेना है, वो बोले मम्मी अगर थोड़ा पहले सोचते तो इतना सुंदर सुंदर इस टाइप का केक बनाते, मैं बोला नहीं वो तेरा बर्थडे पे बनाऊंगी, और उसको उसका बर्थडे पे थोड़ा मतलब एस्थेटिक वाला सिंपल वाला केक पसंद है, और लेकिन पहले जो बर्थडे होता था स्वीटी का इस तरह से सब डिज़ाइन वाला केक, और ये लोखंड वाला मार्केट में आए हो, कुछ ड्रेस वगैरह भी देखना था और शांतनु के लिए कुछ गिफ्ट लेना था लेकिन कुछ अलग टाइप का, लेकिन बॉयज़ का गिफ्ट ढूंढना ना भाई इतना ऑप्शन ही नहीं है, और हमारे गर्ल्स के लिए कितना ऑप्शन ही ऑप्शन रहता है, क्योंकि बॉयज़ का क्या दूँ, बैग दूँ, वॉलेट दूँ, रिंग जो है दो है एक पहनता है, उसके बाद सोचा क्या दूँ रे बाबा ड्रेस वगैरह, और ये देखो कितना सुंदर सुंदर गणपति मिल रहा था, इतना छोटा छोटा मतलब, और यहाँ पे बांसुरी वाला गणपति देख के बहुत खूबसूरत लग रहा था, स्वीटी को भी कुछ शॉपिंग करना था और वही देख रहे, और खाने का भी कुछ लेना है स्वीटी को एज यूजुअल, और मुझे किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर का सबसे खूबसूरत जगह लगता है ये चॉकलेट, मतलब एक हेवन जैसा, आप लोगों को भी ऐसा फीलिंग्स आता है क्या, किसके किसका ऐसा आता है चॉकलेट देख के कुछ अंदर कुछ कुछ तो होता है ऐसा, वो मूवी जैसा कुछ कुछ होता है, ये देखो शांतनु के लिए स्पेशल गिफ्ट मैं ढूंढ रही हूँ, देखो 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 शांतनु का बेस्ट गिफ्ट होगा, देखो ना इसके अंदर क्या है, थैली के अंदर अपने का ये वो बड़ा का है, ये छोटू सा मोहित का पानी का बोतल खो गए, ये लो ये लो मोहित ये लो टिफिन बॉक्स का, ये लो ना इतना अच्छा अच्छा है। और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा एक बंगाली चैनल हमने खोला है,
अमर सोना संसार व्लॉग्स, उसमें प्यार और ब्लेसिंग ज़रूर बरसाना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो ज़रूर जाके एक बार चेक करना अगर किसी ने नहीं देखा है तो। आज वो दिन याद आ रहा है, दिन तो वही है नॉर्मल डेज, लेकिन वो इतने सालों पहले का जो दिन हम दोनों एक साथ जुड़े थे, जिसके लिए आज यह संसार बसाना ये सब शुरू हुआ है, वो दिन बहुत याद आ रहा है। क्योंकि ये शाम के टाइम पे हमारा मतलब शादी हुआ था, हमारे शादी का मुहूर्त भी शाम के टाइम पे था, बहुत जल्दी जल्दी बारात भी आ चुके थे ऑलमोस्ट, मतलब तब सन थे उस टाइम पे, मतलब शाम शाम, तो वही बैठ के चिट चाट चल रहा था, याद कर रहा था। और आज है गणपति विसर्जन का शायद 5th डे, तो ये ढोल ताश बज रहा था, वही देख के मतलब और भी बहुत कुछ अच्छा वाला फीलिंग्स आ रहा था। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता, इतने साल एक साथ हमने गुजारे हैं और आगे भी इतने साल गुजारना है, फीलिंग्स ही पता ही नहीं चलता, लगता था अभी तो हुआ था शादी। एक देखना हमारे अंदर एक रहता है ऐसा वाला फीलिंग्स। तो थैंक यू सो मच, आप सब ने भी इतनी सारे ब्लेसिंग दिए है और स्वीटी ने सेटिंग किया। ये शादी एक ऐसी चीज है जहाँ पे दो अलग किस्म के इंसान एक साथ इतने साल रहते हैं, दोनों का नेचर एकदम अलग होता है, उसी में एडजस्ट होना होता है। इसके साथ एडजस्ट मतलब ये नहीं जो दोनों का सभी चीज़ें एक्सेप्ट करना है, बात करना, कभी अगर झगड़ती भी है लेकिन बाद में हमेशा बैठ के बात करना, एक दूसरे के प्लस पॉइंट के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट जो भी होता है, हर ह्यूमन तो एकदम परफेक्ट तो नहीं होता है, वो सारे एक्सेप्ट करना, वो सारे के साथ एडजस्ट करना। एडजस्ट मतलब ये नहीं है खुद को पूरी तरह से एक दूसरे के लिए ढलना है, एक्सेप्ट का ये मतलब नहीं है जो पूरी तरह से खुद को चेंज कर लो। संतनु से मैंने एक चीज़ सीखा है, पहले खुद को बहुत प्यार करो। मैं पहले जीती थी सबके लिए, सबको खुश करने की कोशिश करती थी, तो संतनु हमेशा मुझे टोकता था, तुम ये करते हो ना हमेशा। मैंने एक चीज़ सीखा है, सबको खुश करना पॉसिबल नहीं है, कुछ कोशिश करना भी नहीं चाहिए, जितना हो सके कोशिश करो, उसके बाद बाकी अपने लिए सेल्फ, बहुत सेल्फ जो चीज़ है भगवान ने आपको भेजा है, ये सारी चीज़ें मैंने सांतनु से बहुत कुछ चीज़ें सीखा है। स्वीटी ने क्या अरेंज किया, मैंने बोला था पर एक्चुअली ये विश था, मैं बालकनी में पहले बालकनी पार्टी, हाँ सारे खाने के अरेंजमेंट सांतनु स्वीटी का, स्वीटी ने उसको डेकोरेट भी किया है, जो झाड़ पत्ते देख रहे, झाड़ पत्ते देख रहा है ना सब, स्वीटी देखो देखो केक, थैंक यू स्वीटी, थैंक यू देना, वाओ थैंक यू स्वीटी, थैंक यू सो मच। नहीं बहुत सुंदर लग रहा है, कोई कैफे से कम थोड़ी लग रहा है, ये तुम्हारा अरेंज कर लेगा, कस्टमाइज होगा, ये कस्टमाइज अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट का अच्छा खासा रहेगा। तो आज दिखाते हैं, चलो आज का मेन्यू क्या है। ये है प्रॉन्स, इसका कुछ केरला बिरयानी, केरला स्टाइल प्रॉन्स बिरयानी, ये है आंध्रा स्टाइल चिकन बिरयानी, ये है पराठा लच्छा पराठा, लच्छा पराठा रायता चटनी पापड़ प्याज, ये सब नींबू, ये है चटनी ग्रीन चटनी, मलाई मटन सीख कबाब, और ये है केक, और ये है ये केक, ये है चंपारण मटन, ये फेमस अहुना मटन, अहुना मटन। मुझे क्या मन कर रहा पता है, मैं ढाई करके फोड़ू, सबसे आसान है वहाँ, नहीं सबसे आसान ये है, यहाँ से यहाँ नीचे, देव बाबा खुल गया, खुल गया, ये मटन नीचे। सर्वर
और क्या है? पूरा ग्रेवी है? ग्रेवी और मटन ग्रेवी है, मटन का ब्लैक टाइप का है। चंपा रानी ये बिहार का एक फेमस रेसिपी है, लेकिन कोयले में बनता है तभी फेमस हो गया। ये खाया जाता है इसके साथ लच्छा पराठा। खाके तो देखो, खाके बताते हैं। पहले ग्रेवी से टेस्ट करेंगे। प्लेन रोटी के साथ अच्छा लगेगा, प्लेन रोटी क्योंकि प्लेन रोटी के साथ का जो खुशबू है वो जाएगा। फ्लेवर इसमें क्या, पराठा खुद ही एक ऐसी चीज है जहाँ पे घुस जाते हैं वहाँ पे। लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्ट है इसमें, इसका जो खुशबू आ रहा था ना, एकदम देसी इंडियन वाला खाना। केरला, आंध्रा, मुगलाई, बेसिकली लखनऊई, बिहार, बिहारी बस। पहले सोचा था रेस्टोरेंट पे जाएंगे, संतन बोलते चलो बाहर चलते हैं खाने के लिए, क्या खाना बनाओगे? तो मैं बोला नहीं, घर पे थोड़ा करते हैं। और स्वीटी को घर पे इस तरह से टेबल डेकोर करना ये सब बहुत पसंद है, स्पेशली खाने को ठीक तरह से अरेंज करना, सर्व करना, इस टाइप का चीज़ें बहुत पसंद है। तो रेस्टोरेंट पे अगर ऐसे ही सब सेटअप करने बोलो तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट आपके पास वो चार्ज करते हैं। तो स्वीटी को मैंने बोला वो अमाउंट मैं तेरा पिकी बैंक के लिए दे दूँगी। स्वीटी को ढेर सारा ब्लेसिंग दे रहे सांतनु, क्योंकि बच्चों को इस तरह से एनकरेज करेंगे तो उनको भी काम करने का मज़ा आता है। तो मैंने बोला वो पिकी बैंक में पैसा जमा कर लेना। और यहाँ पे केक भी स्वीटी ने इतनी अच्छी तरह से, प्लेन केक हमने लाया था क्योंकि सांतनु को एकदम चॉकलेट, डार्क चॉकलेट केक बहुत पसंद है। Happy anniversary to us. तो हमारे एनिवर्सरी का केक आप सब जरूर लेना, इतना प्यार और इतना ब्लेसिंग देने के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा हमें सपोर्ट करने के लिए, हमेशा हमें पता ना पीछे से एक बैकबोन हिसाब से रहने के लिए थैंक यू सो मच। संतरे का फेवरेट केक चॉकलेट, एकदम डार्क चॉकलेट, मतलब चॉकलेट ही चॉकलेट। एक चीज देखना हमेशा होता है, खाना खाने के बाद ना उठने का मन नहीं करता, लगता है ऐसे जेल ना मार दो। और सिटी को बोला थोड़ा बहुत हेल्प कर दे, और कल बाहर भी जाना है तो इस वजह से थोड़ा बर्तन भी धो के जा रही हूँ, क्योंकि सानिया को बोला सानिया आने की ज़रूरत नहीं, वो सुबह में बेचारे संडे के दिन भी उसको मैं बोलती हूँ कभी कभार आने की ज़रूरत नहीं है, संडे सुबह सुबह बोलती तो वो आ जाएगी, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता नहीं है ना संडे बेचारे को एक दिन को सुबह में लेट करके, संडे क्या होता है, संडे मैं लेट करके आने के लिए बोलती हूँ, नॉर्मल डेज में तो सुबह आता है तो संडे उसको भी थोड़ा सोने मिलता है, ये सब एडजस्ट करके होता है ना। हाँ, घर में जो जो रहता है, जो हेल्पर होता है उनके साथ भी इस तरह से एडजस्ट होता है। और यहाँ पे स्वीटी हेल्प कर रही है, टेबल चाहती तो रख देती थी, लेकिन कल बाहर भी जाना है तो सुबह में उठाना पड़ेगा। और बाहर में ना संडे तो फिर भी काम नहीं चलता, धूल नहीं होता उतना, लेकिन बाकी दिन पूरा धूल होता है क्योंकि काफ़ी सारे फ्लैट में अभी भी इंटीरियर या कुछ भी काम चल रहा है तो उस वजह से धूल तो आता ही है। और ये वाला टेबल बहुत अच्छा है, लेकिन ये अगर फोल्ड हो गया ना खुल जाता है कभी कभी, उसका एक लॉक है। और ये देखो फ्लावर थ्रो के साथ मैच हो गया। और ये वाला चेयर एक्चुअली बैल्कनी के लिए बहुत कुछ चीज़ें करना है, अभी धीरे धीरे करूँगी। बैल्कनी के लिए सिटिंग अरेंजमेंट मुझे करना है, तो वही सारे अभी बैल्कनी का लाइट ऑफ करके टेबल मैंने रख दिया, रहने दो अभी दो चार दिन यहीं पर रहेगा। टेबल वाला फोल्डिंग टेबल है। और ये मैत्री और शांतनु की कहानी में बहुत कुछ सुनाना है, जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, जिंदगी का एक्सपीरियंस किया, जिंदगी का नाम ही है एक्सपीरियंस करना, इसके साथ ही चलना। तो वो किसी दिन शेयर करूँगी। आप लोगों को भी थैंक यू सो मच इतनी सारी प्यार और ब्लेसिंग देने के लिए, हमें हमेशा दिल पे रखने के लिए थैंक यू सो मच। तो इतनी सी थी आज की एनिवर्सरी का पार्टी वाली, छोटी सी पार्टी वाली कहानी। अगर ये कहानी अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सब खुश रहना हमेशा, हैप्पी एंड हेल्दी रहो।